अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आप सबके मुजैनदर बारशेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि गाइज, मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं कोई चीज़ के लिए एक महीने से बहुत एक्साइटेड हूँ और वो व्लॉग आने वाला है, तो वो आज का दिन है। आज मेरी मॉम आ रही है वापस आफ्टर अ मंथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और है ना, उनका थोड़ा सा मिडनाइट फ्लाइट है, लेट आने वाले हैं वो, तो शहजान नहीं आ पाएंगे मेरे साथ में, तो मुझे नगमा और अनम पिक करने आने वाले हैं। तो बस क्योंकि फिर मम्मी अकेले है घर पे और डैडी भी नहीं है, तो शहजान को यहाँ रहना पड़ेगा, वो नेक्स्ट डे आएंगे मिलने के लिए। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और रात के बज रहे हैं 2, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा बिकॉज उनकी फ़्लाइट 2 बजे लैंड होने वाली थी एंड हमें वहाँ पे मतलब 3 बजे तक हो जाना चाहिए बिकॉज 1 घंटा तो वैसे इमिग्रेशन वगैरह में लग जाता है। तो चलो कैसे। सो शहजी अभी मुझे नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। चलो 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 जल्दी। अल्लाह, मम्मी का भी मैसेज आ गया कि लैंड हो गए। सो ये लोग आ गए हैं पिक करने के लिए। आए भाई, छोड़ के जाने वाले थे तुमको, ठीक है। भाईजन को भी मैं 1 महीने के बाद ही मिल रही हूँ। थोड़ी बच्ची हो गई। चल, 4 मिनट पहले का मिस कॉल है ना। चल 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 चल, निकलते हैं। ओके बाय बाय बाय, मैं आ रही हूँ। भाईजन हाफ स्लीप में, हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। इसमें से नगमा कौन है, इसमें से अनम कौन है? क्या बोला? हाँ, इसलिए उसने मास्क पहना है, ये सब हरकत कर रही है। चलो, oh my God, I'm so excited to meet बज्जो। एक महीने के बाद आ रही हूँ मैं एयरपोर्ट। ड्रॉप करना आई थी पहले, अब पिक करने आई हूँ। मोहम्मद अली, वाह वाह वाह, तू मेरे जैसा होते जा रहे हो, मैं ट्विन ना हो। इट्स ओके यू नो, मुझे एयरपोर्ट बहुत पसंद है। क्यों? मुझे भी बहुत पसंद है। बेस्ट बज्जो, आई डोंट हैव मास्क, मुझे बोला नहीं किसी ने, बिकॉज अभी मास्क फ्री हो गया है ना। बान हम छोड़ने भी आए थे, लेने भी आए है ना। पज्जो आ रही हूँ, बान पज्जो। अरे नानी भी आए, अस्सलाम वालेकुम नानी, अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे, पीछे चले गए हम लोग, अभी कॉफ़ी भी स्टार्ट हो गई, पूरा एंगल। फज्जो कब आएगी? फज्जो यहाँ पे लोग क्या कर रहे पता नहीं, और ये लोग भी क्या कर रहे पता नहीं। हम लोग थक चुके, मम्मी का वेट कर रहे हैं, लगने लगी पता है, एक्चुअली प्यास भी लगी रही है, पर ऐसा है कि जब हम लोग निकल गए और मम्मी आ गए तो हम लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ सब कैमरा लेके खड़े हैं, वो कैप्चर करना जरूरी है। 3 से अभी 4 ब्लॉगर हो गए, और वो चीज़ कैप्चर करना है हम लोग। क्या है? 1, 2, 3, 4 लगमा में ये, अरे 5 ये भी है। ओह शिट, हम लोग मम्मी का वेट करते करते आगे निकल गया क्योंकि कॉल आया। मम्मी ने बोला थोड़ा कस्टम में टाइम जा रहा है, मीन बैगेज वगैरह पता नहीं क्या। ओह नानी बैठ के चाय पी रहे हो, ओ नानी क्या बात है। हाँ नानी पियो, चलो हम लोग कुछ पी लेते हैं, मुझे प्यास लग रही है। नहीं नानी पियो, मैं कुछ ठंडा पीऊँगी। देखो ना नानी को, देखो ना, अफान बाहर आ गया, अफान बाहर आ गया है, वो अफान ही है ना, तो ये उधर किसके पास जा रहा है? अफान, ये किसके पास है? वो किसके पास चला गया? उसको कोई और तो दिख रहा है? क्यों जैद तो नहीं खड़ा उधर? कौन है, हाथ दिखा रहा है इसको कोई? अफान देख लिया, देख लिया, देख लिया,
का। हाँ आफान, अरे रे 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 मैं बिछड़े रे। अरे बाप रे, कैसे हैं अपन? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? अच्छे। मम्मी कहाँ? मम्मी आ रहे, फज्जो मिस नहीं हो जाए। वाह व्हाट अ फील, हम अभी फज्जो से मिलने के लिए जा रहे हैं। फज्जो पता नहीं किधर है, वेयर इज फज्जो? ओके एक बाहर आ गया है, कुछ बैग्स आई थिंक अंदर ही है, तो मम्मी लेकर आने वाले हैं। आई डोंट नो वेयर इज मॉम। मम्मी ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है। अफशा बोलता है, मम्मी बाहर इतने टाइम के बाद आ तो गए बट उन्होंने एक बैग अपना बाहर छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो रहा है, I don't know। सहेली जैसा मिले। मम्मी कैसा लग रहा है वापस आकर? वेलकम बैक मम्मी। मम्मी की हालत खराब हो गई। चलो चलो रख दे तभी कैमरा। अब फाइनली सबको रिलीफ मिला है कि मम्मी आ गए हैं। अब निकलेंगे बाहर घर की तरफ। ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया ना मान अपने को वेट करते करते, 2 घंटा हो गया हम लोग को। नहीं हुई लेकिन, होते होते नहीं हुई। मम्मी, अरे मम्मी चले गए। बच्चों, मैं भी हूँ। अब्बू एकदम फुल यो हो गया है, फुल एक्सेंट हो गया है। चलो अभी हम सब घर की तरफ निकल पड़े हैं। आशा जी को बहुत मिस किया, आशा जी नहीं आ पाए। हाँ या अल्लाह, सामान भी रख दिया बैग में सबके। नगमा का भी ब्लॉग चालू है उधर। घर पहुंच गए, मम्मी का बैग भी छोड़ देते, क्या-क्या करके आते। सुबह हो गई है और अब बस हम जा रहे हैं सोने। ओके गाइस, तो यही था मेरा 1 महीने बाद वाली एक्साइटमेंट। और मैं इतनी 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 ज्यादा खुश हूँ। मम्मी भी बहुत बोल रहे थे मुझे, सब ऐसे छेड़ रहे थे, तेरी सुख दुख की साथी आ गई है। और मम्मी मतलब बहुत ऐसे मेरे, मम्मी से ज़्यादा मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे, तो वो थोड़ा ऐसे अलग बॉन्ड है हम लोग का। तो बहुत ज़्यादा ही मुझे तो खुशी हो रही है कि मम्मी वापस आ चुके हैं। और एक ऐसा होता है ना, हर लड़के का एक होता है, मायका जाओ तो मम्मी मतलब वहाँ रहना ही चाहिए। तो वैसा ही था क्योंकि अभी सब सिबलिंग्स वगैरह सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो ऐसा होता है यहाँ में कैसे क्या करने के लिए आओ। तो मम्मी नहीं थे 1 महीने से, तो मैं इतना यहाँ आई नहीं हूँ। और मतलब बीच बीच में आई थी ना, बिकॉज अकेली थी तो तभी आई थी। बट अब मम्मी आ गए तो मैं बहुत 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 रिलीफ भी फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और सब एकदम ऐसे खुश, सब 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 खुश थे मम्मी को, मतलब मम्मी जैसे आए ना सब बहुत ज़्यादा खुश थे। थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, मम्मी का बैग एक्सचेंज हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी सेफली लैंड हो गए और हम सब बहुत खुश है।
तो बस गाइज, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हाँ, हम सबको दुआओं में याद रखिए और हर माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे। बस अल्लाह हाफिज़।